हाँ भाई लोग की हाल की चाल। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मंगल होंगे। तो भैया आज की वीडियो आप लोगों के लिए और मेरे लिए काफी स्पेशल होने वाली है। स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को मेरे पिताश्री की जन्मभूमि दिखाने ले जा रहा हूँ, जो कि कहें में सीधी भाषा में, सरल भाषा में हम बात करें तो वो हमारा गाँव हुआ, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया ही नहीं। मतलब प्रॉपर तुम लोगों को पता है मैं कहाँ रहता हूँ, तो प्रॉपर वो तो पता ही है। जो हमारी जन्मभूमि, तो मतलब जन्मभूमि तो हमारी यही थी कि मतलब हमारा जन्म तो अंता के अंदर ही हुआ था। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजन जो कि बड़े दादा परदादा हैं, वो हमारे वहाँ के थे। मतलब वो भी हमारा ही गांव है हुआ। मतलब तो आज मैं आप लोगों को हमारा गांव दिखाने ले जा रहा हूँ। यहाँ से हम लोग जाएंगे बड़ा बड़ा जी, देखो तुम लोगों ने उधर से एक रास्ता आता है कोविला की ओर से, हम लोग आगे निकलेंगे बमोलिया, एक गाँव है जो कि वो हमारा गाँव है। तो वो गाँव मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन है आप लोगों को वो गांव दिखाऊं, वहाँ की स्थिति दिखाऊं, वहाँ के कैसे लोग हैं, कैसे नहीं है, क्या है क्या नहीं है। आज हम वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को हमारे जो देवी देवता हैं उनकी हमको पूजा करवानी है। आज बोले तो है हमारे हालत क्षेत्र में बोलते हैं ना कि माई साथ, तो भाई इस वजह से हम क्या है वहाँ पूजा कराने जाना पड़ता है। तो चलो चलते हैं, मम्मी और मैं जाऊँगा, बीच में वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बाइक सैपली चलानी है। चलो दोस्तों, गांव में हम लोग पहुंचने वाले हैं। गांव जैसा वाला लुक कर लिया, हम रास्ता ढूंढ गए, यहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं सीधा जाएंगे। चलो पहले रास्ता ढूंढते हैं, बहुत दिनों में आ रहा हूँ, जो मैं मिस कर रहा हूँ। करण अर्जुन वाली याददाश्त आ गई मेरी वापस धीरे धीरे। हेरी मम्मी घंटे के सफर में हम पहुंच जाते हैं हमारा गांव, जो कि गांव का नाम है बमोलिया, क्योंकि इसके पहले चैनपुरी आता, मतलब चैनपुरा बमोलिया के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे पिछले टाइप के घर हुआ करते थे जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर कच्चे घर भी आप लोगों को दिखाई देते हैं, परंतु हमारे चाचा और कभी ऐसे था बट अभी थोड़ा ऐसा हो चुका है। तो ये हमारे चाचा जी का घर है और जो सामने आप दिखाई दे रहे हो ये हमारे पूर्वज दादा है दादी है उनके मकान है। तो ये अंदर से भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और फिर मैं आगे की ओर बढ़ा तो मुझे यहाँ पर एक शानदार पेंटिंग दिखाई देती है जो कि बच्चों द्वारा बनाई गई थी। क्योंकि हर गांव में आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि हमने भी एक समय पे हमारे घर पे बनाई थी जो कि हमारे घर थे एक समय पे से। फिर हम लोग मम्मी और चाची जी के साथ निकल चुके थे हमारे भैरव जी महाराज की पूजा कराने के लिए। और जैसे मैंने साइड में देखा था एक सूखा हुआ पेड़ था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने के लिए। और फिर हम लोग निकल चुके आगे की ओर, फिर यहाँ पर मैंने देखे काफ़ी सारे कच्चे घर और काफ़ी सारे यहाँ पे पक्के घर भी बन चुके थे, बट एक समय पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कच्चे घर थे। अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट हो चुका है और डेवलपमेंट की बात करो तो यहाँ पर भाई स्कूल की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि इस गांव में एक भी यहाँ का पास में एक भी स्कूल नहीं है, तो बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। जैसे तुम घर देख रहे हो तो इसके बारे बच्चों को पढ़ते देखने को मिलते हैं। और फिर आ जाते हैं हम हमारे भैरव जी के मंदिर पर, जहाँ पर हमारे हर घर से हर साल कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आता है क्योंकि हमें इनकी पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि एक प्रथा है जो पुराने समय से चलती आ रही है और उसे आज भी हम निभाते आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ मंदिर हैं जिन्हें हम पूछते हैं। एक तो हमारे भैरव जी महाराज का मंदिर है जिसे तो हम पूछते हैं, आप लोगों को मैंने बताया और अभी और बताने जा रहा हूँ। और कुछ पीढ़ियाँ हैं जिन्हें भी पूछना पड़ता है, जो कि पीठ होती है ना किसी न किसी की शक्ति पीठ वगैरह, तो वो भी हम पूछते हैं। तो काफ़ी सारे व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई देने को मिलते हैं आज के दिन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। फिर मैं खड़ा जाना मंदिर के सामने अपना देसी वाला गाँव वाला लुक बनाकर, और हमारे भैरव जी महाराज के दर्शन कुछ इस प्रकार है जो कि आप स्वयं दे सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे पंडित हैं, मतलब यहाँ पर अलग अलग दिन अलग अलग पंडित आते रहते हैं, मुझे सुनाई दिया पुराने ज़माने के पंडित है, उनके दादा परदादा थे, अब ये उनके बेटा वगैरह पूजा करते हैं। और फिर गमछा बांधकर मैं निकल चुका गांव की आगे की ओर शेयर करने के लिए कि मम्मी ने मुझे बताया कि आगे भी हम लोगों को पूजा करनी है। तो फिर मैं आगे और निकल चुका था, चाची ने मुझे बताया कि यहाँ पर भी हम लोगों को पूजा करनी पड़ती है। जो आप लोग ये देखने जा रहे हो ये हमारी शक्ति पीठ है, जो कि हमारे दादा परदादा हैं उनकी शक्ति पीठ है, जिनको हम भी पूजना पड़ता है। और हमें हमारी आगे जितनी प्रथाएँ चलती रहेगी वो सब यहाँ पर आते जाते रहेंगे, क्योंकि ये एक मान्यता है जो कि हमारे परिवार में और सबके परिवार में लगभग होती है। फिर हम आ जाते हैं आगे की ओर, जो कि आप लोग ये देख रहे हो ना ये मतलब हमारी शक्ति पीठ पूजा है।
फिर चाची हमें लेके जाती है आगे की ओर, परंतु मुझे यहाँ पर एक घर दिखाई देता है जो कि बहुत ही प्यारा था, क्योंकि मुझे अपनी पुराने दिन की याद दिलाता है, क्योंकि एक समय पर हमारे भी ऐसे ही घर थे, परंतु मेरे पापा की मेहनत और लगन की वजह से आज हम अच्छे घर में रह रहे हैं। तो पापा का तो बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी ज़िंदगी है बहुत प्यारी जी रहे हैं, और जो कि अब आगे जा रहे हैं जो कि इंद्रगढ़ माता जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो भी मतलब उनकी शक्ति पीठ है यहाँ पर, तो हम उसको भी पूज रहे हैं। और फिर हमारे घर में इधर पूजा जाता है, जो कि यहाँ भगवान का नाम तो मुझे भी नहीं पता था और ना ही मैं किसी से पूछ पाया, परंतु ये भी हमारे किसी न किसी कारण के कोई ना कोई तो भगवान होंगे से। फिर हमारे बड़े दादा दादी के घर पे हम आते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जो कि घर में एक पेड़ है नीम का, जो कि अभी छांग रखा है, क्योंकि सर्दी के टाइम पे छांग देते हैं, तो अभी गर्मी आएगी तो बहुत अच्छा है घर में पेड़ होना, क्योंकि गाँव के लोगों के घर में होता है, शहरों में तो अधिकतर बहुत कम दिखाई देता है। और एक छोटा सा इधर बकरी का बच्चा भी दिखाई देता है हमें, क्योंकि एक समय हमारे भी बहुत सारे बकरी बकरा आए थे, जो कि भाई मैं भी इनके साथ बहुत खेला करता था। तो दोस्तों ये था हमारा गांव पूर्वजों का, जो कि आप लोगों ने देखा, और आप लोगों को ये गांव कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। क्या आप भी गांव से बिलोंग करते हो, तो कौन सा गांव में आप बिलोंग करते हो? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये था मेरा गांव, मतलब हमारे पिताश्री का गाँव, हमारे पिताश्री के पिताश्री का गाँव था, बट हमारे पापा वगैरह का जन्म तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो अंता ही हुआ होगा, सुना है मेरे जहाँ तक तो ये। और मेरे जन्म की बात करूँ तो मेरा जन्म भी अंता में हुआ था, हम तीनों भाइयों का, हम सारे भाइयों का जन्म अंता में हुआ था। और मैंने ज़्यादा आप लोगों को दादा दादी से बातचीत नहीं कर पाई, क्योंकि वो थोड़े मतलब कैसे समझाऊँ उनको, कैसे नहीं समझाऊँ, मेरे दादा दी थे, उनसे मैंने बात की, पैर वगैरह छूकर फिर हम लोग वहाँ से निकला है। बाकी ये था मेरा गांव, आपको लास्ट बार और बता दूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आया, पसंद आया तो सबसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।